मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं अन्नू कपूर आप सब साहिबान का इस्तकबाल करता हूं और ले चलता हूं आपको इस सफर पर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सबसे पहले आज के किस्से और कहानियों की एक झलक। अशोक कुमार एक अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे ज्योतिषी भी थे। आज की पहली कहानी होगी अशोक कुमार की ज्योतिष विद्या के बारे में। दिलीप कुमार ने सायरा बानो को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया। इस छोटी सी मुलाकात में अचानक सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। ऐसा क्या कह दिया दिलीप कुमार ने? दिल ने फिर याद किया, मैं आज याद करेंगे एक्टर विजय अरोड़ा को। चौथे नंबर पर होगी अनिल कपूर के हीरो बनने की कहानी। अनिल कपूर किन दो फिल्म स्टार से पैसा उधार लेकर हीरो बने, जानेंगे आज। फिर होगा हमारा रेगुलर सेगमेंट चुरा लिया है तुमने जिधुन को, और अंत में एक श्रोता का सवाल। आज का सवाल है कि दुष्यंत शकुंतला की कहानी पर हिंदी में आज तक कौन कौन सी फिल्में बनी हैं। तो इजाजत हो तो शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। अशोक कुमार को हम सब एक महान अभिनेता के रूप में जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी थे। ज्योतिष विद्या का उपयोग हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते वक्त करते थे। कहा जाता है कि अशोक कुमार कभी भी हॉर्स रेस में पैसा नहीं हारे। सादत हसन मिंटो अपनी किताब मीना बाजार में लिखते हैं कि एक बार अशोक कुमार मंटो की जन्म कुंडली देख रहे थे। अशोक कुमार ने मंटो से पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? मंटो ने कहा, यार जब तुम्हें पता है, मालूम है, तो तुम पूछ क्यों रहे हो? अशोक कुमार ने कहा, मंटो क्या तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है? मंटो ने पूछा, क्या बात है, जरा खुलकर बताओ। तब अशोक कुमार ने कहा, देखो जिसकी ये कुंडली है उसका पहला बच्चा लड़का होगा और वो लड़का जिंदा नहीं रहेगा। तब मंटो ने बताया कि ये सच है, उनकी पहली संतान एक पुत्र ही था जो एक साल का होने से पहले ही चल बसा था। फिल्म बंदनी में रोल करने के लिए अशोक कुमार से बात करने बिमल रॉय ने लेखक नबेंदु घोष को अशोक कुमार के पास भेजा। नबेंदु घोष ने देखा कि अशोक कुमार ने एक स्लिप लिखकर अपने ड्राइवर से कहा कि ये स्लिप माँ को दे आओ। माताजी उनकी उस समय किशोर कुमार के पास जुहू में रह रही थीं। नबेंदु ने देखा कि अशोक कुमार ने पर्ची में कुछ घोड़ों के नाम लिखे थे। अगले दिन इतवार था और अशोक कुमार की माँ हॉर्स रेस में इन घोड़ों पर पैसा लगाने वाली थी। अशोक कुमार ने नबेंदु को बताया कि कल रेस में यही घोड़े जीतने वाले हैं। नबेंदु ने पूछा, आपको कैसे पता? उनकी नस्ल से या उनके पुराने रिकॉर्ड से? अशोक कुमार ने कहा कि उनके स्टार से, न नस्ल से न रिकॉर्ड से, बल्कि उन घोड़ों के स्टार से। नबेंदु को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कल 14 घोड़े दौड़ेंगे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा? दादा मुनि ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो ऐसा करो तुम भी इन घोड़ों का नाम नोट कर लो और कल रेस में जाकर किसी एक पर 10 रुपए लगाकर ट्राई कर लेना, देख लेना, तुम 350 रुपए तक जीत सकते हो। नबेंदु घोष ने नाम नोट तो कर लिए, पर अगले दिन रेस कोर्स नहीं जा सके। सोमवार सुबह मगर उन्होंने जब रेस का रिजल्ट जानने के लिए अखबार देखा तो क्या पाया कि दादा मुनि अशोक कुमार ने जिन दो घोड़ों का नाम लिख कर दिया था वो दोनों रेस जीत चुके थे। अब आप यहां ये भी सोच सकते हैं कि जब अशोक कुमार इतनी करेक्ट कैलकुलेशन बता सकते थे तो उन्होंने हॉर्स रेसिंग से करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक उसूल बना लिया था कि वो कभी भी 100 रुपए से ज्यादा हॉर्स रेसिंग में नहीं लगाएंगे। अशोक कुमार, दिलीप कुमार और सायरा बानो जी की शादी हो जाने के कुछ साल की बात है। दिलीप कुमार ने एक पार्टी में सायरा बानो को एक जवान लड़की से मिलवाया। मिलवाते वक्त दिलीप कुमार के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर सायरा बानो और वो लड़की दोनों सकपका गए, और फिर दिलीप कुमार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तीर तो कमान से निकल चुका था। हुआ यूं कि उस लड़की से मिलवाते वक्त दिलीप साहब ने कह दिया कि सायरा ये वो लड़की है जिसके साथ मैं सोया करता था। अब आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा रिएक्शन।
ये लड़की थी गुजरे दौर की फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस डेजी ईरानी। ये मजेदार वाकया डेजी ईरानी ने 1992 में दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया है। डेजी के अनुसार फिल्म नया दौर में काम करना एक पिकनिक जैसा था, एक फन था। डेजी रही होंगी उस वक्त 7-8 साल की प्यारी सी बच्ची, यूनिट में हर कोई लाड़ दुलार प्यार करता था उनसे। फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और सहनायक अजीत भी बच्ची से वैसे ही प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। फिल्म की आउटडोर लोकेशंस में शूटिंग्स के दौरान दिलीप कुमार और अजीत दोनों में इस बात को लेकर जिरह होती थी कि आज रात ये बच्ची किन के साथ सोएगी। नन्ही डेजी अक्सर दिलीप कुमार को चुनती। अब दिलीप साहब रात को बच्ची के साथ खेलते, कहानियां सुनाते, परियों की चर्चा करते और नींद में खो जाते। वक्त गुजरता गया और कोई 8-10 साल बाद ये घटना घट गई। तो जैसे ही दिलीप कुमार साहब के मुंह से ये निकला कि सायरा ये वो लड़की है जिसके साथ मैं सोया करता था, सायरा बानो सकपका गई और डेजी भी इधर उधर बगले झांकने लगी। दोनों को समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। एक पल को तो दिलीप साहब को भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, पर जैसे ही उन्हें समझ आया कि क्या गड़बड़ हो गई तो उन्होंने मामला समझाया, एक्सप्लेन किया, बोले मेरा मतलब जब ये छोटी सी बच्ची थी। फिल्म यादों की बारात का एक सदाबहार नगमा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। और जीनत अमान के साथ एक खूबसूरत हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, नाम विजय अरोड़ा। टीवी के युग में जो पीढ़ी बड़ी हुई है उन्हें याद होगा सीरियल रामायण का मेघनाथ। विजय अरोड़ा का जन्म 27 दिसंबर 1944 को हुआ। 1971 में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल के साथ अभिनय का कोर्स कंप्लीट किया और 1972 की फिल्म जरूरत से अपनी फिल्मी यात्रा आरंभ कर दी। ये फिल्म रीना रॉय की भी पहली फिल्म थी। अर्ली 70s में उन्होंने लगभग सभी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, जया भादुड़ी के साथ फागुन, आशा पारेख के साथ राखी और हथकड़ी, जीनत अमान के साथ यादों की बारात, मौसमी चटर्जी के साथ नाटक, तनुजा के साथ इंसाफ, परवीन बॉबी के साथ 36 घंटे, शबाना आजमी के साथ कादम्बरी। 1976 में बिंदिया गोस्वामी के साथ उनकी फिल्म जीवन ज्योति बहुत कामयाब रही। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने गुजराती फिल्मों में और नाटकों में भी काम किया। 80s में टीवी के आगमन के साथ ही उन्होंने छोटे पर्दे की ओर रुख कर लिया। श्याम बेनेगल की भारत एक खोज में जहांगीर के किरदार के अलावा लकीरें, तलाश, प्रधानमंत्री, जाना ना दिल से दूर उनके कुछ चर्चित सीरियल्स रहे, पर सबसे ज्यादा शोहरत मिली रामानंद सागर की रामायण से। इस धारावाहिक में उन्होंने मेघनाथ का कैरेक्टर निभाया जिससे विजय अरोड़ा की घर घर में पहचान बन गई। अभिनय के साथ साथ विजय अरोड़ा अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते रहे जिसमें वो एड फिल्म्स, कॉरपोरेट फिल्म्स बनाते थे। विजय अरोड़ा जी ने फॉर्मर मिस इंडिया दिलबर देबरा से शादी की और उनका एक बेटा है फरहाद विजय अरोड़ा। फरहाद भारत में फरारी और मासरेती कारों के प्रमोटर हैं। एक बीमारी के कारण 2 फरवरी 2007 को विजय अरोड़ा जी का निधन हो गया। आज विजय जी को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उनके ऊपर पिक्चराइज्ड ये सदाबहार नगमा। अनिल कपूर के पिताजी सुरेंद्र कपूर एक फिल्म निर्माता थे। इसके बावजूद अनिल कपूर के लिए हीरो बनने की राह आसान नहीं थी। जब अनिल कपूर इंटर में पढ़ते थे तो पापा सुरेंद्र कपूर को दिल का दौरा पड़ गया। घर की माली हालत के कारण इंटर के बाद अनिल कपूर को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद अनिल ने कुछ दिन अपने बड़े भाई बोनी कपूर को प्रोडक्शन में असिस्ट करना शुरू कर दिया, पर हीरो बनने की राह में अभी भी अनगिनत दुश्वारियां थीं। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन की कोशिश की पर ऑडिशन में फेल हो गए, लिहाजा रोशन तनिजा के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। होम प्रोडक्शन फिल्म हम 5, FC मेहरा की हमारे तुम्हारे और रमेश सिप्पी की शक्ति में
छोटे छोटे रोल करने के बाद साउथ के प्रसिद्ध फिल्मकार बापू ने एक फिल्म में हीरो का रोल ऑफर किया, पर भाग्य ने यहां भी साथ नहीं दिया। दुर्भाग्य दामन पकड़ के अटका रहा। डांस के ऑडिशन में ही अनिल कपूर का पैर टूट गया और फिल्म हाथ से निकल गई। लीडिंग रोल में अनिल कपूर की पहली फिल्म थी वो सात दिन, पर यह रास्ता भी मुश्किल था और इस मुश्किल से उन्हें निकालने में मदद की संजीव कुमार और शबाना आजमी ने। हुआ यूं कि अनिल कपूर को हीरो के रूप में लॉन्च करने के लिए तमिल फिल्म अंता एजुनादकल का हिंदी रीमेक होम प्रोडक्शन से ही बनाने का फैसला किया गया। इस तमिल फिल्म के निर्माता थे पीएस जयरामन और डायरेक्टर थे के भाग्यराज। ये बात 1982-1983 की रही होगी और उस वक्त कपूर परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। अंता एजुनादकल के राइट्स हासिल करने के लिए 75,000 रुपयों की दरकार थी और ये रकम अनिल कपूर या उनके पापा जी सुरेंद्र कपूर या भाई बोनी कपूर के पास नहीं थी। ऐसे में सिचुएशन को देखते हुए आगे आए संजीव कुमार और शबाना आजमी। इन दोनों ने मिलकर 50,000 रुपए दे दिए और बाकी रकम का इंतजाम दूसरी जगह से कर लिया गया। संजीव कुमार और शबाना आजमी के दिए हुए हेल्प के 50,000 रुपयों से अनिल कपूर की पहली फिल्म आई एज ए हीरो अनिल कपूर। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको एक धुन सुनाई थी और आपसे पूछा था कि आप बताइए इस पर कौन सा हिंदी फिल्म का गाना बेस किया गया है। एक बार फिर धुन सुनिए। जी समझ में आया? एनी गेस कौन सा है? बताओ, माइक के पास आ जाओ। हाँ जी। एक हसीना थी, बिल्कुल सही है। एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। बिल्कुल सर, उसके पहले का जो प्रिल्यूड सर, बिल्कुल सेम है, बहुत ऑब्वियस है ये। पर हकीकत ये है कि आपने गिटार का जो पीस सुना उस दिन में, वो बजाया था जॉर्ज बेंसन ने, उनके हिट नंबर से ये प्रिल्यूड है। टाइटल था वी एज लव। ये नंबर उनके ग्रैमी अवार्ड विनर एल्बम वीकेंड इन एले में से लिया गया है, 1978 में रिलीज हुआ था। ये नंबर कंपोज किया था बेंसन के बैंड के कीबोर्ड प्लेयर रॉनी फॉस्टर ने। बिल्कुल, कितना ऑब्वियस है ना। और इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म कर्ज के लिए इस्तेमाल किया। सुभाष घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, राज किरण, सिमी ग्रेवाल, प्रेमनाथ और प्राण। गीत आनंद बख्शी के लिखे थे। सो अब आपको पता पड़ गया है ओरिजिनल कहां से है। मैं अब कर्ज फिल्म का गीत सुनवाता हूं। वेलकम बैक। मीरा भायंदर थाने के मिर्जा मसूद बेग ने पूछा है कि दुष्यंत शकुंतला की कहानी पर हिंदी में कौन कौन सी फिल्में बनी हैं। इस पर हमने रिसर्च की और पाया कि महाकवि कालिदास की इस कालजयी रचना पर सबसे पहली फिल्म बनाने का रिकॉर्ड मिलता है 1920 में, जिसे बनाया था ओरिएंटल फिल्म्स ने। इसमें शकुंतला की भूमिका निभाई डोरोथी किंगडन और दुष्यंत का रोल किया गौहर जान ने। निर्देशक के रूप में नाम मिलता है सुचेत सिंह का। इसके बाद 1929 में फातिमा बेगम द्वारा डायरेक्टेड फिल्म शकुंतला की भी जानकारी मिलती है। ये दोनों फिल्म्स लेकिन साइलेंट फिल्म्स थी। टॉकी फिल्म 1931 में बनी शकुंतला नाम से ही। 1931 में इस कहानी पर एक फिल्म बनी, इसका निर्माण किया था मादन थिएटर ने और डायरेक्टर थे जे मादन। इस फिल्म में दुष्यंत की भूमिका निभाई थी मास्टर निसार ने तथा शकुंतला की खुर्शीद बेगम ने। गीत लिखे थे प्रसिद्ध नाटककार पंडित राधेश्याम कथावाचक ने।
इसी साल यानी 1931 में सरोज मूवी टोन ने शकुंतला नाम की फिल्म बनाई, जिसे डायरेक्ट किया था मोहन भावनानी ने। दुष्यंत शकुंतला की कहानी पर वी शांताराम जी ने भी फिल्म बनाई 1943 में, और टाइटल भी वही रखा, शकुंतला। इसमें शकुंतला की भूमिका में थी जयश्री और दुष्यंत का चरित्र निभाया था चंद्रमोहन ने। पर लगता है कि शांताराम इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसी कहानी पर 1961 में दोबारा फिल्म बनाई और इस बार फिल्म का टाइटल रखा स्त्री। और इस बार शकुंतला के रोल में थी संध्या और दुष्यंत के रोल में स्वयं वी शांताराम। इसके बाद शकुंतला पर कोई फिल्म नहीं बनी। मुझे उम्मीद है मिर्ज़ा मसूद बेग साहब, आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, आप होंगे, हम होंगे, और होगा हमारा ये प्रोग्राम सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। ये दिन, ये रात, ये शामें, ये सुबह बस ऐसी सुहानी कटती रहें, यही दुआ है। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखेंगे, यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है। कल मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।